हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? अच्छे हैं आप लोग? अच्छा ये बताइए, अभी आपको क्या क्या दिख रहा है अपने क्लास में? क्या क्या नजर आ रहा है आपको? बच्चे दिख रहे हैं? चिल्ड्रन, चलिए जो जो आपको नजर आ रहा है उसको हम यहां लिखते चलते हैं. ओके चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में अपने पास में बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं. ठीक है, बॉयज गर्ल्स. ठीक, टीचर. What else? Tables, benches, and blackboard. Or chalk. And और क्या क्या है आपके क्लास में, बोलते जाइए. Bags, copies, books, pencils, pens, tube lights, bulbs. इसके अलावा आप सब बच्चों का नाम भी अगर हम ले लें तो बैठे होंगे यहां पे, सुनीता, राधा, रीना, मनीष, सुरेश, रमेश और ऐसे बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे, है ना आपकी क्लास में. इन सारी चीजों को, इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा, पंखा होगा, कूलर होगा, टीवी होगा, प्रोजेक्टर होगा, सब कुछ नजर आ रहा है, सब कुछ दिख रहा है आपको, सारी चीजें आप देख पा रहे हैं. अच्छा, तो ये सारी चीजें, इनको हम अगर एक शब्द में बोलें तो इनको हम क्या बोलेंगे? ये सारी चीजें अगर एक शब्द में कही जाए तो इन्हें कहा जाएगा नाउन. नाउन यानी संज्ञा. आप जो कुछ देख सकते हैं वो सारी चीजें संज्ञा है. आप जो कुछ देख सकते हैं वो भी संज्ञा है. आप जो आइडिया, जो विचार आपके दिमाग में आते हैं वो भी संज्ञा है. जो इमोशंस आपके दिमाग में आते हैं, आपके मन में जो भाव आते हैं, वो भी संज्ञा है, वो भी नाउन है. इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है. हम इनको अच्छी तरह से समझते हैं. देखिए बेटा, यहां पे ये जो सारे नाम आपको नजर आ रहे हैं, सुनीता, रीना, सुरेश, रमेश, राधा, मनीष, इसके अलावा सप्ताह का कोई दिन ले लीजिए, संडे, मंडे, ट्यूजडे, संडे, मंडे, ठीक है. इसके अलावा आप कोई महीने का नाम ले लीजिए, जैसे अभी चल रहा है मार्च या अप्रैल या कोई और. ये सारे जो नाम हैं, ये किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दिए हुए नाम हो सकते हैं. इन नामों को, इसमें आप ताजमहल ऐड कर सकते हैं, ताजमहल, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, कुछ भी. ये सब संज्ञा है. संज्ञा कहा जाता है किसी व्यक्ति, किसी जानवर, किसी स्थान, किसी चीज के नाम को. इसके अलावा एक चीज और जुड़ती है, वो है आइडिया या इमोशन. पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स, आइडिया, ये पांच चीजों का नाम कहलाता है नाउन. हम बहुत शॉर्ट, बहुत ही संक्षिप्त में, शॉर्ट में अगर इसको कहना चाहें तो कोई भी नाम संज्ञा है. एनी नेम इज अ नाउन. जो चीज आपको दिखाई देती है और जो नहीं दिखाई देती है वो सारी चीजें संज्ञा है. ये जो संज्ञा है यहां पे जो नजर आ रही, ये सारी चीजें जो हमने लिखी, इनको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन. इनको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन. प्रॉपर यानी खास, विशेष. तो ये सारे, इस तरह से जो विशेष नाम किसी चीज को दिए होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन. इसके अलावा ये जो चीजें यहां पर नजर आ रही हैं, ये पूरी लिस्ट, ये ब्लैक बोर्ड, ये बॉयज गर्ल्स, इनको हम कहते हैं कॉमन नाउन.
इनको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। आपको दो नाउन समझ में आ गया, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। इसके अलावा कुछ और भी संज्ञाएं होती हैं, आइए हम देखते हैं। इसके अलावा आपकी कक्षा, जब हम लोगों को समूह के नाम से बुलाएं, हम उनको पर्सनली उनके नाम से ना बुला के समूह के नाम से बुलाएं, जैसे फुटबॉल टीम, फुटबॉल टीम में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल टीम में खेलते हैं, क्रिकेट टीम में बहुत सारे लोग खेलते हैं, ऐसे बहुत सारे समूह हो सकते हैं। तो ऐसे समूह को जब हम बहुत सारे लोगों के समूह को कलेक्टिवली एक साथ बोलते हैं, जैसे आप सभी एक कक्षा में बैठे हैं ना बेटा, ये हो गया क्लास। इसी प्रकार से समाज, सोसाइटी। इसी प्रकार से टीम, बहुत सारे लोगों से मिलके बनती है। पीपल, बहुत सारे लोगों को हम एक साथ कहते हैं। क्राउड यानी भीड़, इसको हम आपको क्लास ऑफ कक्षा आप जानते हैं, सोसाइटी का मतलब होता है समाज, ठीक है। टीम आपको पता है, पूरा एक साथ टीम। पीपल लोग, क्राउड का मतलब भीड़। आ रहा है समझ में अच्छी तरह से? इसके अलावा ग्रुप, ये भी समूह, ग्रुप यानी समूह, इसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। एक साथ बोल रहे हैं बहुत सारे लोगों को हम, इसको हम क्या नाम देंगे? कलेक्टिव नाउन। आया समझ में अच्छी तरह से? अब हमने अभी बात की बेंचेस की, टेबल्स की, आपकी कॉपी की, किताबों की। ये सारी जो वस्तुएं हैं या किसी ना किसी चीजों से मिलके बनती हैं, ये चीजें जिनसे बनती हैं, चाहे वो लोहा हो, आयरन हो, प्लास्टिक हो, वुड हो, सोना हो, चांदी हो, ये सब भी नाउन है और इनको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। जिनसे चीजें बनती हैं मटेरियल नाउन, जैसे कि गोल्ड, सोना, चांदी, सिल्वर, वुड, प्लास्टिक, आयरन, लोहा, एटसेट्रा, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? मटेरियल नाउन। सारी चीजें भी संज्ञा हैं, जिनसे मिलके बनती हैं वो मटेरियल नाउन हो गया। आया समझ में आपको अच्छी तरह से? अब फाइनली मैंने आपको बताया ये सारी चीजें आपको दिखती हैं, और हमने ये भी कहा था कि पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल के अलावा आइडिया या इमोशन, आइडिया या इमोशन जिसे आप कहते हैं विचार, विचार, ये शब्द सुना है आपने, विचार, आइडिया, या इसे आप क्या बोलते हैं? इमोशन। ठीक है, जैसे शिक्षा एक विचार, एजुकेशन, आपकी दोस्ती एक विचार दिखती है, फ्रेंडशिप, इसके अलावा इंटेलिजेंस, ये सब कुछ संज्ञा है जो अभी हम बात कर रहे हैं। ब्यूटी, खूबसूरती, अगली, सॉरी ब्यूटी, हाँ चलिए चलने दीजिए, अगली मिटा देते हैं, बदसूरती को हम क्यों अपने पढ़ाई में जोड़े, ब्यूटी को जोड़ते हैं खूबसूरती, ब्यूटी, खूबसूरती। इसके अलावा ब्रिलियंस, ये भी संज्ञा है, बुद्धिमानी, आपकी ब्रिलियंस, प्रोग्रेस, प्रगति, सक्सेस, आपकी सफलता, लव, प्रेम, एंगर, क्रोध, ये सारी चीजें संज्ञा है। ये संज्ञा ऐसी है जो आपको दिखाई नहीं देती,
आपकी पांच सेंसेस होती हैं, आपको पता है कौन कौन सी सेंसेस होती हैं, कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं? आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, आप अपने कान से सूंघ सकते हैं, आप अपने नाक से सूंघ सकते हैं, जबान से टेस्ट कर सकते हैं, और टच से, हाथ से छू के उसको महसूस कर सकते हैं। पर ये सारे जो हैं, यहाँ पे जो हमने बात की है, ये सब कुछ विचार हैं जिन्हें इन पांचों सेंसेस से महसूस नहीं किया जा सकता। तो ये भी संज्ञा हैं, और इन्हें हम कौन सी संज्ञा बोलते हैं? ये कहलाती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सी नाउन कहलाती है ये? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी ये आपको दिखाई नहीं पड़ती है। तो हमने कौन कौन सी आज संज्ञाएं देखी? प्रॉपर नाउन, आपका नाम, आप एक बच्चे हैं, एक लड़के हैं या लड़की हैं, ये हो गया कॉमन नाउन। आप सब मिलके एक साथ बैठे हैं, ये हो गई आपकी कक्षा, क्लास, ये हो गया कलेक्टिव नाउन। मटेरियल, आप जिस बेंच टेबल पे बैठे हैं वो लोहे से बना है, लकड़ी से बना है, आप प्लास्टिक की चेयर्स यूज कर रहे हैं, ये सब कुछ हो गया मटेरियल नाउन। और भाव, आपके मन में कौन सा भाव है? सक्सेस, प्रोग्रेस, प्रगति, एजुकेशन, शिक्षा, फ्रेंडशिप, दोस्ती, क्रोध, स्नेह, ये सारे भाव जो हैं, ये क्या है? संज्ञा है। इसके अलावा हेल्थ, ये भी संज्ञा है। काइंडनेस, ये भी संज्ञा है। हैप्पीनेस, ये भी संज्ञा है, यानी नाउन है। ये सब भाव है बेटा, और इनको हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। मैं समझती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि संज्ञा क्या होती है। सारी चीजें जो दिखती हैं वो संज्ञा है, और जो नहीं भी दिखती हैं, जिनके भाव मन में आते हैं वो भी नाउन में आते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। चलिए आइए इस पे हम एक्सरसाइज करेंगे। सारे बच्चे तैयार हो जाएं। सबसे पहले हमको करना है, लेट्स डू इट। आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ेंगे कुछ सेंटेंसेस, आपको इनमें से नाउन्स को पहचानना है, कौन कौन सी संज्ञाएं हैं आपको पहचानना है। नंबर एक, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय, पहला मैं बता दूं क्या, पहले वाले में क्या संज्ञा है? राम संज्ञा है और बॉय संज्ञा है, वेरी गुड। द कैट, सेकेंड वन, द कैट इज अंडर द टेबल। आपको संज्ञा जहां जहां पे नाउन्स हैं उसके नीचे अंडरलाइन करते चलना है। थर्ड वन, द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स। फोर्थ वन, द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, सोना एक कीमती धातु है। एंड द फिफ्थ वन इज आई हैव टू पेंस, मेरे पास दो पेंस हैं। तो ये था आपका नाउन, और मुझे लगता है मेरे बच्चे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसको अंडरलाइन कीजिए, अब इसको जल्दी से पहले कंप्लीट कीजिए आप लोग, उसके बाद हमको करना है एक काम, लेट्स स्पीक में हम जाएंगे, और लेट्स स्पीक में हमको करना ये है कि हर बच्चा कम से कम पांच नाउन्स का नाम बोलेगा। टीचर्स इस चीज को इंश्योर करेंगे कि हर बच्चा बोल रहा है, कम से कम पांच नाउन आपको बोलना है, ठीक है? पांच चीजों का नाम आप बोलेंगे, पांच वस्तुओं का नाम बोलेंगे, या पांच पर्संस का नाम बोल सकते हैं। आप प्रॉपर नाउन उठा सकते हैं, आप कॉमन नाउन ले सकते हैं, आप कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांच नाउन्स हर बच्चे को बोलने हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, और जब तक कि सारे बच्चे पांच नाउन्स नहीं बोलेंगे, कक्षा समाप्त नहीं होगी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।